हेलो दोस्तों, आप सबका प्रीतिस किचन डायरी में स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ सूजी के स्टफ उत्पम। सूजी के स्टफ उत्पम बनाने के लिए मैंने 1 कप सूजी लिया है। 1 कप से थोड़ा सा कम मट्ठा है ये। पिसी हुई धनिया 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून हल्दी, 2 चुटकी कुटी लाल मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार, 1 टीस्पून सरसों है काली वाली, 2 चुटकी हींग, 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल, हाफ टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल, बॉयल कटे हुए आलू, कटी हुई हरी धनिया, 1 मीडियम साइज का टमाटर मैंने कट किया हुआ है, 1 कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च और थोड़ी सी करी पत्ता। सबसे पहले मैं अपना उत्पम का बैटर तैयार करूंगी। सूजी के अंदर मैंने ये पूरा मट्ठा मिला दिया है, इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अभी ये बैटर थोड़ा थिक है, इसमें हम प्लेन पानी मिलाएंगे। इसमें आधा टीस्पून नमक मिला देंगे और इसे अच्छे से तैयार करके बैटर को आधे घंटे के लिए ढक के रख देना है। अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं, आधे घंटे इसलिए रखते हैं सूजी अच्छे से फूल जाए। ये देखिए थोड़े भी ठीक है, क्योंकि सूजी अभी फूलेगा तो और ठीक हो जाएगा। थोड़ा पानी और मिलाएंगे, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप किस डायरेक्शन में घुमाएं, क्या करें, जिसमें आपको इजी लगे उस डायरेक्शन में आप इसको फेंट सकते हैं। ये हमारा उत्पम का बैटर तैयार हो गया, इसे हम ढक के रख देते हैं गैस पे। कढ़ाई चढ़ा दी है 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा, मैंने ना हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल मिलाया है। तेल को अच्छे से गरम करते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है, गैस थोड़ा धीमा कर देंगे क्योंकि करी पत्ता डालेंगे तो थोड़ा तेज छटकेगा। सबसे पहले तो करी पत्ता, हरी मिर्च और ये मस्टर्ड सीड जो है, सरसों का दाना काला वाला मिला देंगे, 2 चुटकी हींग, पिसी हुई धनिया, हल्दी, मिर्चा, सब अच्छे से मिला देंगे, मिक्स करेंगे इसमें। और 1 टीस्पून मैंने नमक मिलाया है। नमक आप टेस्ट के अनुसार डालिएगा। हल्का सा मसाला मेरा भून गया है, बहुत ज्यादा ऐसे वो नहीं करना है। कटे हुए आलू इसमें मैंने मिक्स कर देना है और इसको अच्छे से मिलाना है। आंच को धीमा ही रखना है, मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके जो बड़े बड़े पीसेस है हल्का ऐसे थोड़ा सा क्रश कर देना है, इसमें ऐसे मैश कर देंगे हल्का सा। जैसे दोसे के लिए थोड़ा सा कड़ा कड़ा छोटा भी चीज मिला रहता है, उस टाइप पे थोड़ा सा कर लेना है। बहुत ज्यादा इसे हमें फ्राई नहीं करना है। तो तैयार हो गया, थोड़ी सी ऊपर से हम हरी धनिया मिला देंगे, गैस बंद कर देंगे, इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमारा आलू का स्टफिंग तैयार हो गया है और ये भी बिल्कुल तैयार है उत्पम के लिए। गैस से मैंने तवा चढ़ा दिया है, तवा मेरा हल्का गर्म हो गया है। ऑयल लगाएंगे इस पे थोड़ा सा, उत्पम का पेस्ट डालेंगे। थोड़ा सा गैस मीडियम कर देंगे। ये हल्का सा हो जाए पहले, इसके ऊपर मैंने जो आलू की स्टफिंग बनाई है उसको डालेंगे। गैस हमारा स्लो रहेगा, ये कटे हुए थोड़े से प्याज, टमाटर कटी हुई हरी धनिया, गैस हमारा मीडियम रहेगा।
इसको मैं थोड़ा सा प्रेस करूंगी इसी पे। अब ये देखिए ऊपर से इसका कलर थोड़ा चेंज हो रहा है, गैस बिल्कुल स्लो रखना है मुझे इसके ऊपर। मैं अब इसके ऊपर हम दूसरा बैटर डालेंगे, इसको कवर करेंगे। आंच बिल्कुल धीमा रखना है अच्छे से, चारों तरफ इसको मुझे कवर कर देना है। ये देखिए इसके ऊपर अच्छे से वो हो रहा, थोड़ा कलर चेंज हो रहा है। नीचे आंच बिल्कुल धीमी रखनी है, थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर हम कर देंगे, डाल देंगे साइड से। इसको मैं पलटूंगी धीरे से, आंच धीमा रखेंगे। अब नीचे से पूरा बेक होगा। मैं देखती हूँ हुआ कि नहीं, हो गया है ये, थोड़ा सा और से लाल कर देते हैं। ये देखिए हमारा दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी स्टफ उत्पम तैयार हो गया है। इसको मैं प्लेट में निकाल लूंगी। ये देखिए हमारे स्टफ उत्पम तैयार हो गए। एक हम कट लगाते हैं बीच से। मैं ऐसे, ये देखिए कितने ही हेल्दी और टेस्टी है ये। ये तैयार है हमारे सूजी के स्टफ उत्पम। एक बार आप इसे बना के जरूर ट्राई करिए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू।